ये बालक भय का पर्याय होगा। आतंक का अर्थ होगा किसका अंश है ये, और इसे पालने का कर्तव्य कौन निभाएगा, कौन निभाएगा, कौन निभाएगा? मैं पालूंगा इसे। सागर की शिप्पी से जन्मा है तो सागर का ही अंश हुआ ना ब्रह्मदेव, इसलिए यह मेरा पुत्र कहलाएगा, सागर राज की संतान के नाम से जाना जाएगा, संतान के नाम से जाना जाएगा। इसे मुझे दे दीजिए ब्रह्मदेव। रुक जाइए ब्रह्मदेव, यदि इसका अस्तित्व हमारे भविष्य पर संकट, इसका व्यक्तित्व भय और आतंक का सूचक, तो हम इसका अंत क्यों नहीं कर देते? जिसका कर्म केवल जन्म लेना है उसे दंड किस बात का देवराज? दंड कुकर्मों का मिलता है इंद्रदेव, कुकर्मों के संदेह का नहीं। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी धर्म अधर्म का भेद नहीं समझे आप? अब भी समय है, या तो समझ जाइए या अपने पतन के लिए सज्ज हो जाइए। तुम सागर पुत्र जलंधर कहलाओगे, सागर पुत्र जलंधर कहलाओगे, सागर पुत्र जलंधर कहलाओगे। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हें सागर के इतिहास से लेकर शस्त्रों के ज्ञान तक सब सिखाऊंगा, तुम्हें हर रूप में संपूर्ण बनाऊंगा। Thank you.
से देखो पुत्र, इस पूरे सागर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है। कार्तिक, इससे पहले कि महिषासुर को किसी भी प्रकार की भनक लगे, हमें शीघ्र यहां से निकलना होगा। अपने छोटे से मन में हर सत्य हर तथ्य को बसा लो जलंधर। कौन देवता है, कौन असुर, कौन आदि है, कौन अनंत, कैसे ब्रह्मदेव ने मानस पुत्र बनाए, कैसे महादेव ने त्रिदेव बनाए, पिताश्री का त्रिशूल आप ले लीजिए और माताश्री का त्रिशूल मैं थाम लेता हूँ। फिर शिव शक्ति के अंश उनके अस्त्र से असुर लोक में हाहाकार मचा देंगे। चलो गणेश, शिव शक्ति की शक्ति को मिलाकर प्रहार करते हैं। धन्यवाद कुमार कार्तिक, धन्यवाद गणेश। देवताओं ने इस अनंत सागर को निष्ठुरता से मथा, दया की हर सीमा लांघ कर उससे मेरे सारे रत्न छीन लिए। ये मंथन क्षण भर में थम जाता यदि महादेव ने कालकूट का विष ना पिया होता। तुम केवल भय के ही नहीं अपितु बल के भी पर्याय हो, अति उत्तम। किंतु अपने इस बल को संभाल के रखो पुत्र, हमारा शत्रु कोई साधारण नहीं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, महादेव हैं, महादेव हैं। अरे कैलाश से अतिथि पधारे हैं, आइए। अरे आइए, अब
आई गए हो तो विश्राम करिए। क्योंकि एक बार महिषासुर के पास में बंधा तो फिर कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऑन महिषासुर। साक्षात शिव शक्ति के अंश है ये, और हाथ में त्रिशूल भी। किसी का भय नहीं है मुझे। शिव शक्ति का त्रिशूल ही क्या, वो साक्षात भी आ जाए तो भी उनके अंश इस असुर लोक से बाहर नहीं जा पाएंगे। मार्ग दिखाइए शिव शक्ति। दोनों त्रिशूलों को एक साथ पटको। शिव और शक्ति के त्रिशूलों की सामूहिक ऊर्जा के सामने कोई असुर खड़ा भी नहीं हो पाएगा। संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो शिव शक्ति के अंश को बांध सके। शत्रु शिव हैं, असाधारण है, इसलिए उन्हें हराने के लिए तुम्हारा बल भी असाधारण होना चाहिए। तुम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि संसार की हर काट की काट बने। जलंधर जलंधर जलंधर। जिसे चाहे मुक्त कर दे, जिसे चाहे बंदी बना ले, संसार की सबसे बड़ी शक्ति बनो। शक्तिशाली नहीं, सर्वशक्तिशाली बनो। जो संसार महादेव का नाम जपता है वो तुम्हारा नाम जपे। जलंधर जलंधर कहे, जलंधर 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 जलंधर। चंद्रदेव, देवतागण, आप सब ठीक है? आप सबको मुख देख मेरे श्वास में श्वास आ गया। उत्सव बाद में, क्षमा पहले। देखते ऐसे रहे जैसे कुछ नहीं जानते। अरे, अपने साथियों को संकट में छोड़ कहाँ भाग निकले। इस अपराध की क्षमा नहीं मांगेंगे। आपने केवल वहां से पलायन ही नहीं किया इंद्रदेव, उन असुरों के मध्य हमें
दयनीय अवस्था में छोड़कर चले आए आप। क्षमा मांगने से मन का बोझ कम होता है। किसी का पद या आधार नहीं। देवगन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। देखा कितना सरल है। अभी ध्यान से सुनिए, अभी तो आप सब मुक्त है, किंतु महिषासुर आपको बंदी ना बना ले। इसका काट बताता हूँ। आप सब आदिशक्ति की आराधना प्रारंभ कीजिए, वही आपको महिषासुर से बचा सकते हैं। कहाँ छुपे हो जालंधर? कर कह दो अपने उस स्वामी से, काल नेमी से, जलंधर शर्त मानता नहीं। जलंधर शर्त रखता है, संधि प्रतियोगी से नहीं, भक्तों से करता है। अगली बार कोई भी संदेश कुछ भी भेजना हो तो तुच्छ दूत ना भेजे, स्वयं आए, हाथ जोड़कर शीश झुकाकर
सभी अपने स्वास्थ्य और अपने रूप का कितना ध्यान रखते हैं ना, आयु को मात देने का भरपूर प्रयास करते हैं, किंतु चरित्र का क्या? उसकी सुंदरता को क्यों भूल जाते हैं हम? आपका चरित्र वो दर्पण है जो आपके मन, आपके मस्तिष्क के भेद खोलता है। इसलिए जितना ध्यान स्वयं का रखते हैं उतना ही अपने चरित्र का भी रखें, क्योंकि चरित्र की आयु शरीर की आयु से बहुत अधिक होती है।